हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 3। उसका नाम क्या है हमारा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा लेक्चर नंबर 13 तक कम्प्लीट हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 14 होने वाला है, ठीक है? तो लेक्चर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रिक पावर। अगर उससे पहले अगर आप लोग सेकंड चैप्टर देखना चाहते हैं, यानी इसके पहले वाला चैप्टर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाई आरएसपी सर, ठीक है? अगर आप पहला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो उसमें भी बाई आरएसपी सर लगा दीजिएगा, बस आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? मतलब चाहे जो पढ़ना हो आपको, क्या करना है बाद में? चैप्टर का नाम डालना बाई आरएसपी सर, ठीक है? चाहे जो पढ़ना हो, चाहे केमिस्ट्री चाहे बायो, जो पढ़ना हो चैप्टर का नाम बाई आरएसपी सर। अगर वीडियो होगी चैनल पे तो आ जाएगी 100%, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा क्या है? आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं पावर क्या होती है। पावर का मतलब अगर हम हिंदी में बताएं, जैसे आप लोग गांव में क्या करते हैं, लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं कभी, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं? तुम्हारी औकात कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तो वही औकात का मतलब होता है पावर, किसकी कितना पावर है, तो वही होता है हमारा। यहाँ पे देखिए क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है? ये क्या है हमारा? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है? यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो इधर जाएगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस से होते हुए पास करेगा, ये पूरा सर्किट है। यहाँ से हमारा जो कि करंट फ्लो करेगा वो हमारा क्या होता है? पावर होता है। अगर इसमें हम कैलकुलेट करेंगे पावर कितना होता है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पी इज इक्वल टू वी आई। वी आई मतलब जितना आएगा वोल्टेज इंटू करंट करेंगे, तो वो जो हमारा पूरा दोनों कैलकुलेट करेंगे वही हमारा जो आएगा वो क्या होगा? पावर होगा, इस सर्किट में पावर होगा, ठीक है? अब हम देखते हैं पावर का एक ही फॉर्मूला नहीं, यही फॉर्मूला नहीं, कई सारा फॉर्मूला होता है। मतलब कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में कई प्रकार से यूज किया जाता है। जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर का जरूरत हो तो हम यहाँ पे वी लिखे हैं, आई स्क्वायर का जरूरत हो तो हम क्या करेंगे? तो उसी के लिए हम बता दे रहे हैं कई सारा फॉर्मूला है। ये देखिए यहाँ पे ढेर सारा फॉर्मूला है, ये देखते हैं पावर का एक से बढ़ के एक फॉर्मूला, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, वर्क बाय टाइम, ठीक? एक फॉर्मूला तो यही हो गया। दूसरा, पावर इज इक्वल टू वी इंटू क्यू बाय टी होता है, ठीक है? वी मतलब वोल्टेज, क्यू मतलब चार्ज, बाय टाइम होता है, ठीक है? तीसरा क्या है, P इक्वल टू वी आई, जो हमारा इस सर्किट में लागू हुआ है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया, इसलिए अलग में क्या लिखे हैं, SI यूनिट ऑफ पावर। पावर की SI यूनिट क्या होती है? वाट होती है, ठीक है? अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला P इक्वल टू IR इंटू आई, ठीक है? तो यहाँ से ये हो जाता है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हो क्या जाएगा, ये आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है? एक फॉर्मूला ये मिल गया। अब देखिए, ठीक है, यहाँ से तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, आई, एक आई की वैल्यू क्या कर दें, एक आई की वैल्यू क्या कर दें, रख दें। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर वाले में देखिए, यहाँ पे क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे आई आर है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, आई है, आई क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो यहाँ से वो पुट कर देंगे, दोनों अलग अलग पुट कर देंगे, तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। नया फॉर्मूला बनेगा क्या, पी इक्वल टू वी इंटू वी बाई आर, ठीक है? ये हमारा नया फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, यानी पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एक फॉर्मूला फिर बन गया हमारा। मतलब फॉर्मूले पे फॉर्मूला बन रहा है, देख लीजिए फॉर्मूले से फॉर्मूला निकल रहा है यहाँ पे, यही सब फॉर्मूला हमको न्यूमेरिकल में यूज करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या, यही जो सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी जो हमारा पावर का सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है, जो हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ पावर, यानी पावर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यही चीज है। देख लीजिए, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू वी आई, यहाँ पे हम डॉट लगा दिए, आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी होता क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है? ये फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा हमसे सर्किट में यही आता है, सर्किट में हमको अगर जैसे सर्किट का क्वेश्चन है तो हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? अब दूसरा क्या है,
P = I² R यानी ये भी हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई सारे न्यूमेरिकल में भी हमारे ये यूज होगा, ठीक है, ये याद कर लीजिए। अब क्या है नेक्स्ट हमारा लास्ट, P = V² / R जो यहाँ पे बताएं यही फॉर्मूला है, मतलब ये जितना यह तीन फॉर्मूला जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सब हम तो निकाल सकते हैं, अगर हमको एक पता है दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा पता तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सब हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस तीन फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, देख लीजिए आप इसको, बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश किए हैं आप लोगों को, यहाँ पे ये सब फार्मूला आप 100% हम आशा करते हैं आप लोग याद कर लेंगे, अगर याद करेंगे तो आपको पेपर में और न्यूमेरिकल भी करने में आसानी होगी, ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।